हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी वीडियोस के बारे में जिस पर आप फेक इन्फॉर्मेशन दी गई है ड्रीम 11 के बारे में। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड सबसे पहला जो फेक न्यूज़ ड्रीम 11 पे जो है बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर ने दिया है जिसका सब्सक्राइबर बेस मेरे से ज़्यादा है। तो सबसे पहला झूठ ये है, अगर आप कोई टीम बना के लीग ज्वाइन करते हो तो आप जो है कोई जो है वीक टीम बना के जो है ज्वाइन करो और उसके बाद वीक टीम बना के ज्वाइन करो उसके बाद आपको जो है जो आपके ओपोनेंट होंगे वो सारे का सारा मतलब कंपनी लोग ही खेलते हैं ताकि आपका सारा का सारा प्रॉफिट जो है उनका ही हो। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं ये बिल्कुल ज़रा सर बिल्कुल झूठ है। कैसे झूठ है मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको जो है ड्रीम 11 का जो बिजनेस है, ठीक है, जो बिजनेस है बिजनेस का जो मॉडल क्या है, कैसे पैसे अर्न करता है, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड पहला तो ये चीज़ झूठ है कि आप जैसे ज्वाइन करते हो आपका जो ओपोनेंट है वो सेम जो है ज्वाइन करता है। आप दोनों में से जिसकी टीम अच्छी होती है जिसकी टीम पे ज़्यादा पॉइंट होते हैं वो आसानी से जीत लेता है। वहीं पे फ्रेंड लक की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस होती है। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के बारे में तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ग्रैंड लीग में जो है अराउंड जो है बहुत सारी कॉम्बिनेशन के साथ जो है ग्रैंड लीग में जो है कंपनी के लोग जो है खुद ही जो है टीम जो है वो ऐड करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अगर वो लोग टीम जो है ऐड कर लेते हैं तो ये तो बिल्कुल 100% कंफर्म है कि जो है डेडलाइन पार होने के बाद जो है वो टीम एडिट नहीं कर सकते। ऐसा जो है मैंने मेल किया था और उसने भी मुझे बताया, तो मैं आपको मेल भी दिखा दूंगा अगर आप लोग मुझे नीचे बता सकते हो। तो यहाँ पे जब जैसे ही आप जो है यहाँ पे आप जो है जैसे ही यहाँ पे जो है आप टाइम लाइन जो है ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से आप जो है PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो तो उस पर देख सकते हो। अगर कोई ऐसा टीम है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड ये बिल्कुल बकवास चीज़ है कि डेडलाइन के बाद भी वो लोग टीम एडिट करते हैं। तो रहा बात जो है डेडलाइन के पहले वो लोग शायद जो है 100 टीम बना के जो है टीम में डाल देते हैं। तो फ्रेंड ऐसा पॉसिबल है और ऐसा वो लोग कर सकते हैं, इनके चांसेस जो है अराउंड 50% है। क्योंकि अगर वो लोग जो अगर वो 100 टीम जो डालते हैं वो अलग अलग अकाउंट से डालते होंगे जिस पे अराउंड जो है 20 अकाउंट जो होना चाहिए। तो फ्रेंड अगर ऐसा होता है तो भी हमें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोग भी ह्यूमन हैं और कोई कंप्यूटराइज से वो लोग टीम नहीं बनाते हैं, ऐसा 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ क्योंकि उन लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पहले आप देख लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो है आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है 5 लाख का टीम है, यानी जो है 5 लाख टोटल मेंबर यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। एक मेंबर जो है ठीक 6 टीम के साथ जो है 6 बार ज्वाइन हो सकता है एक ही लीग में। और यहाँ पे जो है टोटल प्राइस कितना एंट्री फी कितना है 26। अगर हम 5 लाख को अगर हम सिंपल यहाँ पे अगर कैलकुलेटर पे जाएं 26 × अगर हम लोग 5 लाख कर दे तो अराउंड आप देख सकते हो कितना आ जाता है, अराउंड 1 करोड़ 30 लाख के करीब जो है इनका जो है टोटल अमाउंट आता है। और ये लोग हमें देते कितने हैं सिर्फ और सिर्फ टोटल विनिंग है 1 लाख। वहीं पे 30 लाख जो है वो लोग जो है इस जो है लीग से ही जो है अर्न करते हैं। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता उन लोगों को जो है किसी और पैसे की ज़रूरत होने वाली है और इसमें जो है कोई भी फ्रॉड वो लोग करना चाहेंगे। वहीं पे अगर हम लोग अगर कोई छोटी सी लीग भी देख लेते हैं, अगर समझ लीजिए हम लोग ये वाला लीग देख रहे हैं जिसका प्राइस है 3699 और इनका जो है टोटल मेंबर जो है 25। अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें देख लेते हैं यहाँ पे कितना आता है 3699 × 25 मेंबर का जो है लीग था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड जो है 10
92,000 के करीब जो है यहाँ पे जो है आते हैं उनके पास पैसे, वहीं पे ये जो है यहाँ पे सिर्फ 80 लाख देते हैं, यानी अराउंड जो है 92 यानी 12 के इनके पास यहाँ पे ऐसे ही जो है इस छोटे से 10 मेंबर के विनर के लीग में, 25 मेंबर्स के लीग में ये लोग जो है 20K जो है लेते हैं एक मैच पे अराउंड ये लोग। अगर आप जैसे मैंने वहाँ पे 30 लाख, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं अराउंड 2 लाख के करीब जो है ये लोग जो है पर मैच जो है अर्न करते हैं। अगर वो इंडिया का मैच होता है तो वो ज़्यादा अर्न करते हैं। तो फ्रेंड इसी बेसिस पे मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कोई भी तरह ड्रीम 11 पे आपके साथ जो है फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतने ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।